अगर आप समय रहते नहीं आए तो ये नज़ारा जो सामने देख रहे हैं ख़त्म हो जाएगा। इसको हम डिटेल से जानेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा और ये 5-6 गलतियां मत करना, नहीं तो आपकी जान जोखिम में हो सकती है और भी कई प्रॉब्लम होगी, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपके सामने है विश्व प्रसिद्ध अटल टनल, जहाँ हर समय आपको पुलिस तैनात मिलेगी और अटल टनल के अंदर BRO की जो टीम है वो तैनात मिलेगी। और इनके लिए, शासन और प्रशासन के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। रेनबो 7 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कुल कुल नमस्कार। और हम आपको यात्रा करा रहे हैं अटल टनल से सिसु, जो लाहौल स्पीति का बहुत ही सुंदर गांव है, और उससे आगे जो खांगसर है उसकी यात्रा हम बार बार करवाते हैं, और जहां इग्लू बने हुए हैं वहां भी आप जा सकते हैं। तो आपको सीधा ही हम लिए चलते हैं सिसु। सिसु से पहले अटल टनल का जो नॉर्थ पोर्टल है लाहौल स्पीति वाला, और उसके बीच यदि आप लोकेशन देखोगे तो इससे भी ज़्यादा सुंदर है। उसका वीडियो यदि आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो आ जाएगा। यह वीडियो आज यानी कि 14 मार्च 2022 तो लेटेस्ट वीडियो है, क्योंकि यह चैनल लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट टूरिज्म न्यूज़ के लिए ही जाना जाता है। और इनकी आपको रिक्वायरमेंट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ये आपके बिना, सपोर्ट के बिना चैनल अधूरा है। और हमारे साथ घूमना चाहते हैं तो आप ईमेल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर उसमें ज़रूर लिखिएगा, आपके अनुसार आइटनरी बनाने में हमें सुविधा रहे। तो ये नज़ारे हैं सिसु विलेज के, जहां पार्किंग है वहां के नज़ारे बहुत ही अद्भुत है। क्या ऐसे नज़ारे आपने देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपसे निवेदन है कि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप जल्दी से आ सकते हैं, नहीं तो ये नज़ारा ख़त्म होने वाला है। इस मनमोहक दृश्य को दीदार करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके जल्दी आइएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और यहाँ भी उसका प्रभाव पड़ता है। स्नोफॉल अब शायद नहीं होगा, और होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। और जैसे सनलाइट सामने ज़्यादा गिर रही है तो वहाँ बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है, और थोड़ा नीचे बर्फ़ ज़्यादा है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ है अभी भी। आप आना चाहें तो जितना जल्दी हो सके आइएगा, और 30 मार्च तक तो ये बर्फ़ आराम से चल जाएगी। ये हम सिसु विलेज की बात कर रहे हैं। और अब हम बात करें कि आप ये 4-5 गलतियां मत करना। कौन सी? कि आप अटल टनल आते वक्त बाइक मत लेकर आना। बाइक लेकर आएंगे तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। और अटल टनल से रिगार्डिंग जो अपडेट है, हमारे जो फेसबुक पेज है इसी नाम से है रेनबो 7, उसको फॉलो कीजिएगा, उसमें डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी। और साथ में टूरिस्ट देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। और इसके अलावा आप रास्ते के अंदर पानी देखा रास्ते के अंदर, तो वो ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाता है सुबह और शाम को, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मत आइएगा, क्योंकि ब्लैक आइस पर गाड़ी चलाना आपके बस की बात नहीं है यदि आप पहाड़ी आदमी नहीं हो, स्नो ड्राइव का एक्सपीरियंस नहीं है। और साथ में ब्लैक गोगल्स ज़रूर लेके आइएगा, जिससे क्या होता है कि आप जो ये रिफ्लेक्शन होता है आँखों के अंदर, तो उससे आपकी आँख लाल हो जाती है और बहुत ख़तरनाक स्थिति के अंदर पहुँच जाती है, और अंधापन भी हो सकता है, इसलिए काला चश्मा ज़रूर लगा कर रखिएगा। और साथ में बार बार पानी पीते रहिएगा। ये लेटेस्ट आज का ही नज़ारा है, बहुत प्यारा नज़ारा है। और तो पानी पीने से क्या होता है कि शरीर डिहाइड्रेट नहीं होता, आपको प्यास नहीं लगेगी, फिर भी आपको पानी पीते रहना है। और गर्म पानी आप
स्टील वाली बोतल में लेकर आए तो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो हम पर्यावरण अनुकूल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। ये 5 गलती आप नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा बहुत सुखद होगी और आपका जो पल है वो अविस्मरणीय रहेगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।